हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थानी गट्टे की सब्जी बना करके तैयार करेंगे जो बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए गट्टे की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 1.5 कप बेसन में ये सब ऐड करके एक सुपर टेस्टी डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमने आधा चम्मच से कम अजवाइन ली है, आधा चम्मच से कम सौंफ लिया है, आधा चम्मच से कम साबुत धनिया लिया है। इन तीनों को हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे। आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम मीठा सोडा, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच पूरा अच्छे से भरा हुआ तेल, और 2 चम्मच दही के ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1-1 स्पून करके पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें मुश्किल से 1.5 चम्मच ही जाएगा। पानी बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि हमारा आटा ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं तो बॉईल करते टाइम हमारे गट्टे जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे। आटा लग करके तैयार है। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको 7-8 मिनट के लिए ढककर साइड में सेट होने के लिए रख। आटा सेट होता है तब तक मसाला भिगो करके रेडी करते हैं। यहाँ पे हमने 8 से 9 कलियाँ जो है लहसुन अच्छे से कूट के लिया है। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2.5 चम्मच धनिया पाउडर की डाल करके इसमें हम 15 से 20 चम्मच पानी डाल करके इसको अच्छे से भिगो करके रखेंगे। करी वाली सब्जियों में मसाला पहले भिगो के रखने से मसाला फूल जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। पानी बॉईल होने चढ़ाएंगे। पानी बॉईल होता है तब तक हम गट्टे बनाना शुरू करेंगे। हाथ पे थोड़ा तेल लगाकर गट्टे के हमारे डो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उससे गट्टे बनाना शुरू करेंगे। गट्टे बन करके तैयार है। अब हम इनको उबलते पानी, ध्यान रखें हम एक एक करके डालेंगे। अगर इनको एक साथ डाल दिया तो पानी ठंडा हो जाएगा और गट्टे फटना शुरू हो जाएगा। पानी का बॉईल बना रहना चाहिए और इसको हम 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करें। गट्टे बॉईल होते हैं तब तक हम करी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 7 से 8 चम्मच तेल लिया है, के अंदर आधा चम्मच जीरा डाला है, चुटकी भर हींग डालेंगे, हमने यहाँ पर एक छोटा प्याज और 3 तीखी वाली छोटी हरी मिर्च का छौंक दिया है। इनको थोड़ा भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें जो हमने मसाला भिगो करके रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। मसाला तब तक पकाएंगे जब तक उसमें से तेल अलग ना हो जाए। मसाले से तेल अलग हो गया है मतलब मसाला अच्छे से पक गया। हमने यहाँ पर 2 कप दही फेट करके लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सब्जी में बॉईल बना रहना चाहिए, एक साथ दही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे क्या दही का फटने का चांस बिल्कुल से जीरो हो जाएगा। करी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक का ऐड कर देंगे। गट्टे बॉईल होके रेडी है। अब इनको एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये बॉईल वाले पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम करी के यूज में लेंगे। अब हम इनके छोटे छोटे पीस करके इनको काट करके रेडी करेंगे। बॉइल्ड वाटर को करी में ऐड करेंगे और देखिए हमारी करी कितनी टेस्टी दिख रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब गट्टे के पीसेस को हम करी में ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक करके बॉईल होने दें। थोड़ी देर में हमारी गट्टे की सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी और थिक भी हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी गट्टे की सब्जी बन करके बिल्कुल से रेडी है। ये हमने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ बहुत सुपर टेस्टी गट्टे की सब्जी बना करके रेडी की है। नेक्स्ट टाइम हम राजस्थानी गट्टे की दूसरी रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। बाय।